Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET paper 1 final preparation ke liye ICT ke most important questions ki part 2 aaj hum lekar aaye hain, jisme as it is questions aapko exam mein dekhne ko mil sakte hain. Ye questions bahut hi zyada important hai, isi type ke questions already bhi exam mein puche ja chuke hain and अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी हम इनको एक्सपेक्ट करते हैं. तो आप सब स्टूडेंट्स इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की भी यहां पर मैं श्योरिटी देती हूं. एमपीसेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन में आपको मिनिमम 75 प्लस स्कोर करना होगा एंड एक महीने के अंदर अंदर ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है. बस आपको यहाँ पर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है एंड आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है. इसमें आपको पेपर वन के टोटल 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम देते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. सिंपल लैंग्वेज में स्मार्ट ट्रिक्स के साथ यहाँ पर पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे एंड उसके बाद एमसीक्यूज के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड ये आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको हम देते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन के दौरान बिल्कुल क्लियर हो जाएं. सो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए. इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 2000 रुपए एंड इसके फ्री वीडियोज के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. कोर्स के ओवरव्यू के बाद कॉन्टेंट पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आप मल्टीपल फोल्डर्स देख सकते हो. यूनिट वाइज फोल्डर्स भी अवेलेबल है. हर एक यूनिट में आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूर आपको मदद करेंगे. आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है. सो आज ही आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एक महीने के अंदर अंदर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर सकते हो. सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब ऑफ डीएनएस. सो डीएनएस क्या होता है? ये कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम्स ये होते हैं. सो इसका रोल क्या होता है? ये नेम को डिस्प्ले करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है, आईपी एड्रेस को डिस्प्ले करता है या फिर नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस डिस्प्ले. सो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगी चीजें. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या होता है? हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है. जैसे हर एक इंसान का अलग से एक आधार नंबर होता है ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलिशियस कोड इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्शन ऑफ द यूजर बट स्लो डाउन द प्रोसेसेस ऑन एंटरिंग अ नेटवर्क. तो इसमें ये कहा गया है कि वो कौन सी चीज होती है जो कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक बार चली जाए तो वो अपने आप की कॉपी खुद से बनाती जाती है. यानी कि एक चीज जाती है तो उसकी दो कर देगी, दो से वो चार हो जाएंगे, चार से वो उसको और डबल करता जाएगा, अपने आप को वो डुप्लीकेट करता जाता है, रेप्लीकेट करता जाता है. चाहे उसमें यूजर ने यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाले का कोई हाथ हो या ना हो, एंड उसके होने से क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी स्पीड को भी कम कर देता है. So, इसका करेक्ट आंसर है वायरस. आप सभी ने वायरस के बारे में जरूर सुना होगा. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जहां पर हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स में भी वायरस आ जाते हैं. कई बार आप कोई डाउनलोड करते हो गाना या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जो कि हार्मफुल बताते हैं, तो वहां से आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है. एंड वायरस, अगर एक वायरस भी आता है तो वो अपने आप को बढ़ाता जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मीन्स व्हाट. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रैम और रोम में से आप लोगों को एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगी. रैंडमली अगर हम लोगों को मेमोरी को एक्सेस करना है तो उसके लिए रैम हम लोगों को मदद करता है. ठीक है, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, रैम से ही रिलेटेड है.
तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि रोम क्या होता है, ROM, रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भी क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करोगे एंड कमेंट करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने आंसर सही दिया है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इन अ कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, सो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है जैसे इमेजेस है, फाइल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका सॉन्ग हो सकता है, वो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने कंप्यूटर में ए लिख दिया या फिर मैंने कंप्यूटर में अपना नाम लिख दिया अंकिता, ठीक है। सो होता क्या है, कंप्यूटर अंकिता को नहीं समझता, कंप्यूटर को नहीं पता ए बी सी डी क्या होता है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। एंड बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है, सिर्फ जीरो एंड वन के फॉर्मेट में होती है। अब आप बोलोगे कि ए को कंप्यूटर जीरो या वन के फॉर्मेट में कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल ये याद रखिए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझता है, वो होती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप लोगों को कोई टर्म 1100 इस तरीके से आए, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में कोई भी टर्म हो और उसके बेस में छोटा सा दो लिखा हो, इसका मतलब है कि वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी नंबर है जिसके बेस में 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर होते हैं जिसके भी बेस में 10 लिखा होता है, तो वो होते हैं आपके डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ब्रैकेट में ऐसे छोटा सा 8 लिखा होगा तो वो होंगे आपके ऑक्टल नंबर्स। तो आप लोगों ने ये चार नंबर सिस्टम्स को याद रख लेना है, आगे डिटेल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा, सो रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा क्या है, डेटा का रिकॉर्ड करने का एक तरीका जो होता है वो क्या है, बुक्स में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर यानी कि पत्रिका जो होती है, मैगजीन, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट क्लिपिंग्स जो होती हैं, किसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। सो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। आपको कोई नॉलेज है आप उसको लिख करके एक बुक बना सकते हो, मैगजीन, जर्नल या न्यूज़पेपर में उस डेटा को दे सकते हो, इंटरनेट में उसको सेव कर सकते हो, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। सो देखो जहां पर भी हाइब्रिड की बात आती है, हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं ना, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग आईसीटी के अंदर हाइब्रिड की बात करते हैं, मतलब कि दो चीजों को मिला करके जब एक ही यूनिट बन जाती है तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। सो हाइब्रिड क्या होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दो कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड वो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। सो अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, और एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कम समय है इसलिए ये क्विक रिविजन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको देख लीजिए, एंड अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, आपको ये पीडीएफ ग्रुप में चाहिए तो आप लोग एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, MICR डिवाइसेस कैन रीड व्हाट। सो MICR का मतलब क्या होता है, MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन हो सकता है या फिर रीडर भी हो सकता है, दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में होंगे तो रीडर पे जाइएगा, ठीक है। सो MICR डिवाइस किसको रीड करते हैं, देखो आप सभी ने चेक तो देखे होंगे, है ना, बैंक्स में जो चेक जाते हैं, चेक के ऊपर एक स्पेशल इंक होती है जिससे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उस इंक को रीड करने के लिए ये डिवाइस होती है जिसको MICR बोला जाता है। मैग्नेटिक इंक होती है, उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है MICR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इथरनेट किसका एग्जाम्पल है, लैन, मैन एंड वैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आंसर पे जाने से पहले आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, हिंदी मीडियम के लिए भी सेम चीजें रहेंगी, आईसीटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
ओके सो ये तीन तरीके के नेटवर्क्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऊपर से दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, इस ऑफिस में हर एक फ्लोर सिर्फ मेरी ही कंपनी का है, ग्लोबल ऑनलाइन कंपनी का ही है. सो यहाँ पर अगर हम एक अपना ही नेटवर्क बनाते हैं, इस कंपनी में कम से कम 200 कंप्यूटर्स हैं लगे हुए, ठीक है, सो यहाँ पर अपने ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क हमने बना दिया, तो वो होता है लैन नेटवर्क. छोटा नेटवर्क है जिसका एरिया सिर्फ एक बिल्डिंग, एक रूम, एक फ्लोर तक का हो सकता है, मैक्सिमम एक बिल्डिंग आप कैप्चर कर सकते हो. लैन के बाद आता है मैन. अब मैन मैन क्या होता है, देखो आप लोगों ने केबल टीवी सुने होंगे, तो ये जैसे एक लैन है, एक बिल्डिंग है, ये लैन टू है, ये लैन थ्री है, ये लैन फोर है, ठीक है, ये सभी लैंस को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ये सब आपस में कनेक्टेड है, इसको मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कैंपस होते हैं, एक मान लीजिए वहां पर आप लोगों का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक आप लोग ये मान सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है, सबके अपने अपने नेटवर्क है, उन सबको मिला करके एक पूरा कैंपस का नेटवर्क जो बनेगा उसको मैन बोला जाता है. केबल टीवी वाले भी ऐसे करते हैं कि घर एक एक बिल्डिंग को मिला करके नेटवर्क बनाएंगे और पूरी सिटी को कवर कर लेंगे. वाइड एरिया नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट, ठीक है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी जाओ इंटरनेट में www एक टर्म होती है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब. सो वर्ल्ड वाइड वेब ये है वो वाइड, ओके, सो इसका मतलब है इंटरनेट, जो कि हम कहीं भी किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है इथरनेट जो एग्जाम्पल है वो किसका है, लैन का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द कंप्यूटर्स आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट. So, इंटरनेट में मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक क्वेश्चन हमने कवर किया कि इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका आधार कार्ड है, और कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस होता है, हर एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है ये. नेक्स्ट है ये, देखो ये आ गया बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लिखते हो ना 38, तो आपके कंप्यूटर को 38 के बारे में भी नहीं पता होता, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है चीजों को. सो इसमें बोला गया है कि बाइनरी नंबर में 38 को, देखो 38 के बेस में नीचे 10 लिखा है ना, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो बाइनरी 10 मतलब डेसिमल, ठीक है, 38 एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. देखो इसके बेस में 2 लिखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो आंसर देखो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी. अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इस पे, वैसे तो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आई हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं ले इसको बता देती हूँ. सो देखो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 है बेस में, ठीक है, 2 1 2, यहाँ पर 1 है, 9 2 18, पूरा ये कैलकुलेट हो गया, 19 2 36, सो बेस रह गया 0. उसको फिर से 2 से करेंगे, 9 2 18 होता है लेकिन यहाँ पर 19 है तो कैरी रह गया 1. 2 से करेंगे, 4 2 8, यहाँ पर 9 है तो कैरी आ जाएगा 1. 2 2 4, कैरी आ जाएगा 0 क्योंकि ये ओवरऑल कैलकुलेट हो चुका है. 2 2 2 1 2, ठीक है, कैलकुलेट हो गया तो 0 आ गया और इस तरीके से आपका आंसर आ गया. अब इसको रीड हमेशा यहां से करना है, ये 1 है, ठीक है, इसको रीड इस डायरेक्शन में करना है, तो इसको लिखेंगे 100110, तो 100110 हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो इसी तरीके से मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को ये भी देती हूँ कि आप मुझे बताइए 25 को आप लोग इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर सही है या गलत है, मैं बताऊंगी कॉमेंट का रिप्लाई करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट. सो मेमोरी यूनिट क्या होती है, जैसे आप लोग देखो बिट बाइट किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट ये सब चीजें यूज करते हो ना, आप बोलते हो आज मेरे पास इतने जीबी डेटा है, वो सब क्या है, वो मेमोरी के यूनिट्स हैं. तो स्मॉलेस्ट होता है निबल, ठीक है, उसके बाद बिट बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है. इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी ये मेमोरी यूनिट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो का भी लिंक शेयर करूंगी. बहुत इजी ट्रिक्स के साथ वो चीजें मैंने आपको याद करवाई है.
नेक्स्ट है SRAM stands for what? So SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM मैंने आप लोगों को बता दिया था रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. S मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स. ठीक है, अगर DRAM होता, ठीक है ये DRAM होता, RAM तो सेम रहेगा. D का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल. ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट. सो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, वो है योटाबाइट. गीगाबाइट आप लोगों ने देखा होगा जीबी, डेली आपको कितना जीबी डेटा मिलता है, 2 GB 3 GB, तो वो है गीगाबाइट. सॉरी ये गेटाबाइट है, गेटाबाइट नहीं, गीगाबाइट होता है जीबी. ठीक है, और यहां पर योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट है. नेक्स्ट है 1 byte इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि 1 byte जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 8 bits के बराबर. यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे 8 bits को मिला करके जो एक ब्लॉक बनेगा उसको 1 byte बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 statements, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अनदर इज रीजन. असर्शन बोलती है स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर्स, यानी कि स्निफिंग, स्निफ करना यानी कि फोन की जो तार होती है उस पर टैप करना, ऐसे हाथ से हम टक 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 करते हैं ना, उस चीज को इसमें बोला गया है कि स्निफिंग बोला जाता है. इसका कारण ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. इसमें बोला गया है कि स्निफिंग को यूज करके जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपके डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं. तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. ठीक है, फोन की वायर्स को टैप करके. यहां पर देखो, अभी देखो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी गलत एक्सप्लेनेशन दी और आप लोग जरूर उसमें सोच रहे होंगे. ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रही हूं मैं कि स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर. मैंने आप लोगों को बोला कि टैप का मतलब जो हाथ से हम टक 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 करते हैं, आप लोगों ने बोला अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन टैप करना क्या होता है आईसीटी में, कंप्यूटर इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी की जो टर्म है उसमें टैप का मतलब होता है आपकी फोन वायर्स को वो मतलब कैप्चर कर रहे हैं कि आप वहां पर क्या चीजें कर रहे हो. आपके आप बोलते हैं ना कि हाँ जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, पुलिस वाले आपके कॉल को टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस वाले टैपिंग की बात हो रही है. ठीक है, तो आपकी फोन वायर्स को जब कोई टैप करता है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने फ्रॉड कर लिया मेरे साथ, मैं पुलिस के पास चली गई, पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने बोला कि फिर उस नंबर से कॉल आएगा तो हमें बताना, मैंने बताया तो पुलिस ने क्या किया, मेरे कॉल को टैप करना शुरू कर दिया, यानी कि वो कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने लग गए. इस प्रोसेस में अटैकर आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के जो डेटा पैकेट्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट है अ वायरस type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as worm. ठीक है, कीड़ा. अब देखो ये नाम इतने इंटरेस्टिंग रखे होते हैं ना आईसीटी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि आप लोग इजीली याद रख सकते हो. अब जैसे देखो पहले हम लोगों ने वायरस पढ़ा, आप लोगों ने कंप्यूटर वायरस, तो चलो सब बच्चों को नहीं पता होगा कि इंटरनली कैसे काम करता है, लेकिन आप लोगों ने कोरोना वायरस तो सुना था. कोरोना वायरस एक पर्सन से शुरू हुआ, दूसरे पर्सन पे गया, दूसरे पर्सन से शुरू हुआ, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, चाहे वो लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, चाहे उन लोगों ने एक दूसरे के हाथ से कुछ खाना खाया, या एक दूसरे की सांस उनके आसपास क्रॉस हुई, नहीं हुई तब भी वो वायरस फैल गया. वही चीज कंप्यूटर वायरस में भी होती है, चाहे कि कोई यूजर उस वायरस वाले कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे या फिर ना करे, वायरस अगर एक बार आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और अपने आप को डुप्लीकेट करता जाता है. वही वॉर्म का बात भी यही होती है. अब जैसे मान लीजिए कि कोई डॉग है, किसी डॉग की बॉडी में अगर वॉर्म्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो साथ में भी अगर कोई डॉगी होगा, या फिर वो डॉगी इस जगह पर बैठा है बाद में चला गया, दूसरा डॉगी आया वो सेम जगह पर आकर बैठ गया, तो वो वॉर्म्स उस पर लग सकते हैं. तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वॉर्म क्या होते हैं, वायरस का ही एक टाइप होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बिना उसकी शेयरिंग के भी अपने आप आगे को बढ़ते जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा वायरस के टाइप्स में ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक वॉर्म, बूट सेक्टर आ जाता है.
जो कि ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको इमेजेस और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके बताया है. आप लोगों ने पक्का वो वीडियो नहीं देखी होगी, नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप सभी के साथ लिंक. नेक्स्ट है, ए टू एफ सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम. सो देखो, नंबर सिस्टम में हमने बाइनरी की बात की, बेस 2 होता है, ऑक्टल की बात की, बेस 8 होता है, डेसिमल की बात की, बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16. लेकिन हमने देखो जो वैल्यूज होती है ना, वो 0 से 9 होती है. एक बार मैं इसको ना आपको क्लियर कर ही देती हूँ, वैसे तो सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है. देखो, बाइनरी में बेस होता है 2, वैल्यूज यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज लेता है, 0 और 1. ठीक है, सो इसने क्या किया, सिर्फ 2 वैल्यूज को यूज किया. ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास ऑक्टल. ऑक्टल में होती है 8 वैल्यूज, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज होती है. तो टोटल यहाँ पर इसने कैप्चर कर दी 8 चीजें. डेसिमल में बेस होता है 10, यानी कि 10 वैल्यूज हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक हो गई टोटल 10 वैल्यूज कैप्चर. वहीं अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया 16 वैल्यूज. सो 16 का मतलब ये नहीं है कि 0 से 15 तक वैल्यूज होगी, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा. 16 में यहाँ पर मतलब होता है कि 0 से 9, 9 के बाद तो फिर 1, 2, 3, 4 शुरू हो जाता है, तो उसके बाकी के जो नंबर्स हैं वो ए से एफ तक चलते हैं. तो उसमें बोला है कि ए से एफ तक कौन सी वैल्यू यूज होती है, तो करेक्ट आंसर है हेक्साडेसिमल वैल्यूज. ओके, इसमें ए का मतलब होता है, देखो 0 से 9 तक आ गया, उसके बाद ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाती है 15 तक. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नोन एज. आप सभी ने सीडी तो यूज की होगी, देखी होगी. ठीक है, सीडी के अंदर जब भी कोई फाइल, कोई भी डेटा, कुछ भी चीज एंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी की फुल फॉर्म. अब देखो, होमवर्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देती हूँ आपको, आंसर नोटबुक में नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताइए. आप लोगों के रिवीजन के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है पर्सनली. ठीक है, नेक्स्ट है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट. सो सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ट्रिक मैंने आपको बता दी है पहले, 38 को हमने कैसे सॉल्व किया था. नेक्स्ट है, GIF, JPG, BMP, PNG, ये किस फाइल के एक्सटेंशन है, यानी कि किस फाइल के नाम है. ऑडियो, इमेज, वीडियो, डेटा, टेक्स्ट. सो ये क्या है, ये है आपकी इमेज फाइल. इमेज फाइल होती है ना डॉट, जैसे आप लोग फोन में भी इमेज होती है ना, आप लोगों ने कोई भी फोटो खींच ली, उस फोटो में जा करके आप उसकी डिटेल्स में जब जाओगे तो इमेज का नाम बहुत होगा डॉट करके ना, उसमें JPG या PNG कुछ ऐसे लिखा होगा, तो वो इमेज बताती है. वीडियो होता है MP4, और भी बहुत सारे होते हैं. ऑडियो में सबसे बेस्ट है MP3. ठीक है, तो ऐसे रहती हैं चीजें. टेक्स्ट में आपके पास PDF भी हो सकता है, TXT भी हो सकता है, WORD वर्ड भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ DVD एंड CD यूजिंग लेटर R इंडिकेटेड दैट इट इज रीड ओनली. स्टेटमेंट 2 बोलती है, वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट. सो DVD और CD में जो वर्ड R यूज किया जाता है उसका मतलब होता है रीड ओनली. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, इसका मतलब रीड ओनली बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया. ठीक है, रीड ओनली नहीं होता है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है. वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ यूजर टू गेन एक्सेस टू इंटरनेट. वेब ब्राउजर की मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वेब ब्राउजर हमें मदद करता है कि अगर हमारे पास इंटरनेट भी है तो इंटरनेट के अंदर की चीजों को हम लोग सर्च कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनेट के अंदर की चीजों को वहां पर हमें ये सर्च करने में मदद करता है. आर का मतलब रीड ओनली नहीं होता, रीराइटेबल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HDMI पोर्ट्स अलाउ आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर टू एन HDMI एनेबल्ड डिवाइस. सो इसमें HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है, वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है. देखो, ईमेल मैसेज हैज बीन सेंट फ्रॉम ए टू बी सी डी ई एंड एफ. सो ए ने क्या किया, बी सी डी ई और एफ इन सबको मेल भेज दिए. इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो अच्छे से सुनिएगा, ये टॉपिक जो है ईमेल के अंदर CC और BCC में से पूछा जाता है. CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, एंड BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड यहां पर अंधा, यही मतलब है इसका. ठीक है, F does not know that C was send the message. इसमें बोला गया है कि F, जिसको BCC कैटेगरी में रखा गया है, F को नहीं पता कि C को भी ये मैसेज भेजा गया है.
सी डज नॉट नो दैट डी वॉज सेंड द मैसेज. सी को ये नहीं पता कि डी को भी मैसेज भेजा है, चाहे ये दोनों सीसी कैटेगरी में है. ई डज नॉट नो दैट एफ वॉज सेंड द मैसेज. ई को नहीं पता कि एफ को भी मैसेज भेजा है. डी डज नॉट नो दैट बी वॉज सेंड द मैसेज. डी को नहीं पता कि बी को भी मैसेज भेजा गया है. अब देखो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पर बीसीसी जो मैंने आप लोगों को बताया, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा. बीसीसी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि दूसरे को मैसेज या मेल भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया. यानी कि ई को ये नहीं पता कि एफ को भी मेल गई है, एफ को भी ये नहीं पता चलेगा कि बी को सॉरी ई को मेल गई है. वहीं अगर सीसी की बात करें, ये कार्बन कॉपी है, तो सी को पता है कि डी को मेल गई है और डी को भी पता है कि सी को मेल गई है. ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसके भी नाम होंगे उन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलेगा. ओके, उनको वहां पर सिर्फ दो नाम नजर आएंगे, एक तो ये नाम कि किसने भेजा है और दूसरा अपना नाम, अपना ईमेल आईडी मतलब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. मूक में बोला गया है, मूक की फुल फॉर्म है मैसिव, मींस देयर आर that there can be huge number of learners who can enroll for the course. MOOC में होता है M का मतलब massive open online courses. Massive का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा students इसको पढ़ सकते हैं एक साथ, इसमें जो है इससे पढ़ सकते हैं. ठीक है, MOOC involves use of ICT यानी कि computer, internet, इन सब चीज़ों का MOOC use करता है to make education accessible to students located in remote areas जो कि conventional classroom में नहीं जा सकते. यानी कि जो बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर दूर अच्छी जगह पर पढ़ने नहीं जा सकते, MOOC इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है. तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के बेस पर है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, 1 GB = 2. ठीक है, ये देखो इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर. सो इसको सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का क्या है, ये वाला है. ठीक है, और एक अच्छा तरीका ये है, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू हेक्साडेसिमल डिजिट सी एंड डी आर एडेड टुगेदर. तो मैंने आपको क्या बताया था, ए का मतलब होता है 10, बी मतलब 11, 12, 13, ई 14 एंड एफ 15. ठीक है, सो इसमें बोला गया है कि सी और डी को दोनों को जोड़ो, सी और डी दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. 25 को उसके बाद जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पर है. पेपर वन के साथ साथ पेपर टू प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे. एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम देते हैं, जो कि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा. सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए. जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो. इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए. सो बहुत अच्छा चांस है आप सबके लिए, आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू.